अपंदरबादा बांध के विरोध में आज हम सब किसान संघर्ष मोर्चा के बैनर तले सभी इकट्ठे हुए हैं। आज के इस बैठक में हमारे बीच हम सभी का तन मन धन से हमेशा हमारे साथ रहने वाले लोकप्रिय विधायक परम सम्मानीय श्री हुंदेलाल जी, जीजीपी के प्रदेशाध्यक्ष सम्मानीय श्री पोर्ते जी, सम्मानीय श्री संतोष पांडे जी, मेरे परम सम्मानीय श्री हरि सिंह मरावी जी, सम्मानीय श्री बीरेन तेगाम जी, सम्मानीय मैडम भुवनेश्वरी जी एवं मंच में उपस्थित हमारे सभी सम्मानीय सबको मेरा नमन है। मैं इस अपर नर्मदा बांध के संबंध में बहुत ही संक्षेप में अपनी बातें रखूंगा। जैसा कि आपको विदित है, यह योजना विगत इस शहरों संभाग में 15 नवंबर 2022 को देश की राष्ट्रपति महोदया के द्वारा पेशा यज्ञ की पहली प्रति हमारे जो राज्य के गवर्नर है राज्यपाल महोदय उनको समर्पित की गई। पेशा एक आदिवासियों का सुरक्षा कवच बन के आया। जब ग्राम सभा का प्रस्ताव पारित हुआ, पेशा समय स्पष्ट रूप से लिखा हो किसी भी शासन के किसी भी उद्देश्य के लिए किसानों की जमीन बगैर ग्राम सभा की सहमति के, बगैर उसके प्रस्ताव पारित किए बगैर अधिग्रहण भू अर्जन नहीं हो सकेगी। हमारी समझ में शासन प्रशासन को यह अवगत कराया जाए कि आपका हर एक आदेश जनता मानती है, सर झुका के मानती है, लेकिन आपने जो पेशा एक्ट बनाया है वो सिर्फ दिखाने के लिए है कि पेशा एक्ट का झुनझुना हम पहना दिए। पेशा एक्ट में ग्राम सभा के द्वारा जो प्रस्ताव पारित होता है उसे सब कोई मानता है, तो हम जो प्रस्ताव देते हैं उसे मानो ना। आप काहे को मतलब धारा 11 लगा करके अपनी कार्यवाही लगातार आप निरंतर जारी रखे हैं। हमने अपना प्रस्ताव पारित करके दिया है बगैर हमारे सहमति के, ग्राम सभा के प्रस्ताव के बगैर हमारी जमीन का अधिग्रहण नहीं होगा तो नहीं होगा। तो मेरा निवेदन है, आप सभी से निवेदन है, इस बैठक के माध्यम से यह कोई राजनीतिक मंच नहीं है। हम आप कितने पीड़ित लोग हैं, हम अपनी पीड़ा का अपना दर्द बयां करने के लिए यहाँ पर सभी इकट्ठे हुए हैं। हम अपनी आवाज शासन और प्रशासन तक पहुँचाए। विशेष कहने की आवश्यकता नहीं है, कानूनी लंबी लड़ाई इसके पहले भी लड़ी गई है। नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के द्वारा कानूनी लंबी लड़ाई के कारण एक बार जो है इसे वापस ले लिया गया है, बांध नहीं बंधेगा। फिर 2023 से फिर यह प्रक्रिया चालू हो गई और अब तो यह है कि बांध बनेगा, भू अर्जन की कार्यवाहियां शुरू हो गई। तो ये हमको मदारी जैसे नचाया जा रहा है इस पब्लिक को, एक पैसा इस का झुनझुना पकड़ा करके इसे मैं हमारे भी मंचासीन हमारे प्रबुद्ध जन है,
हमारे लोकप्रिय विधायक श्री मार्को जी, श्री हरि सिंह मरावी जी, मैं आपसे चाहूंगा कि इस संबंध में ठोस पहल हो और सरकार बार बार जो यह है तो इस पैसा एक्ट को महोदय ये पैसा एक्ट को यहाँ से समाप्त कर दिया जाए। हम लोगों का एक आधार है पैसा एक्ट, उसी का आधार लेकर के हम कहते हैं कि यहाँ से पैसा एक्ट विलोपित कर दिया जाए, ग्राम सभा का विलोपन यहाँ से कर दिया जाए। क्यों हमें इस तरह का दिन दुना पकड़ाया जाता है? कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं, मैं बहुत सारी बातों को संक्षेप में रखने का प्रयास किया है और मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, जब भी हम अपनी समस्या अपनी पीड़ा को लेकर के बैठक के लिए स्थान और तारीख नियत करें, इसी तरह से माताएं बहनें जवान हमारे सभी साथी तन से मन से धन से जब आप समर्पित भाव से इकट्ठा होंगे तभी हम वो उदाहरण दे सकेंगे कि हम बन रहिया है नहीं मानना पत्थर भैया। अगर दो चार लोग रहेंगे तो हम बर्रैया कहने लायक नहीं होंगे। बर्रैया का उदाहरण तभी सार्थक होगा जब हम अच्छी खासी संख्या में आए, अपना विरोध जताएं, शासन को अपना विरोध बताएं। और ये वादा इस मंच के माध्यम से आदरणीय महानुभाव का ये आशीर्वाद और सहयोग है कि बांध निरस्त होगा, निरस्त होगा, निरस्त होगा। जय हिंद, जय भारत।